सोनीपत पहुंचे पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। बोले, सरकारी अस्पतालों में लगाए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट में घटिया चाइनीज सामान इस्तेमाल किया जा रहा है। पूर्व सीएम ओपी चौटाला की रिहाई से बदलेंगे प्रदेश की राजनीति के समीकरण, ऐसा भी बोले अशोक तंवर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी साधा निशाना, कहा इन्हें कार्यकर्ता और जनता से नहीं कोई सरोकार, महंगाई के नाम पर हुड्डा कर रहे हैं राजनीतिक ड्रामा, कांग्रेस को बताया गंदी मछलियों का तालाब। वैसे तो लगातार सड़कों के ऊपर संघर्ष चल ही रहा है हमारा, रोशन लाल जी भी तीन चार मुद्दों को लेकर के आपके बीच में चर्चा करने के लिए आए हैं। सबसे पहला मुद्दा तो जिस तरीके से कोरोना काल में आर्थिक तौर पे पूरा देश आज हाशिए पे पहुंचा है, इस महंगाई और तमाम तरह की दिक्कतों का सामना कर रहा है, उसके बीच में आज हरियाणा के अंदर पहला जिला सिरसा जिला हो गया है जहाँ भाजपा के विकास की बहार और बयार दिखाई दे रही है। डवाली के अंदर 100 रुपये डीजल पेट्रोल पर लीटर वो पार हो गया, और आने वाले समय में और जिलों में भी इसी तरीके से देखने को मिलेगा, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पहले की सरकारें तो सब्सिडी दिया करती थी और ये सब्सिडी देने के बजाय प्रॉफिट खाने में लगी हुई है। पिछले साल भी सरकार ने जो रेवेन्यू पेट्रोल डीजल से हासिल किया वो 16 से 18 हजार करोड़ रुपए किया था, विकास कार्य तो कहीं इस तरह के दिख नहीं रहे, और इस बार सरकार का लक्ष्य है कि हम इसको 20 हजार करोड़ रुपए तक लेकर के जाएंगे। आप लगा सकते हो कि जहाँ हमारी 2% देश की आबादी है, अगर वहाँ पर वो 20-20 हजार करोड़ रुपए अगर कमा रहे हैं पेट्रोल डीजल के एक्स्ट्रा टैक्स के माध्यम से, तो पूरे देश के अंदर कितने लाखों करोड़ रुपए हर साल कमा रहे होंगे। तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए, और अब ये बेनिफिट जो है वो जनता तक कैसे पास ऑन हो ये सुनिश्चित करना चाहिए, और प्रदेश की सरकारें वो भी इसमें कटौती करें अपने टैक्स में, और केंद्र की सरकार भी इसमें कटौती करे, ये हमारा सरकार से आग्रह भी है, उनको सुझाव भी है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल हम 16 तारीख से खोलेंगे, और 6ठी से लेकर के 8वीं तक के वो हम 23 से खोलेंगे, और नीचे के जो स्कूल हैं भी उसकी बाद में करेंगे। वैसे तो सरकार केवल और केवल इस तरह की घोषणाएं करती रहती है, उनको पता है कि अभी कोविड का मामला ख़त्म नहीं हुआ है, फिर इस तरह की घोषणाओं का औचित्य क्या, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 1.5 साल से करीबन अब 1.5 साल होने को है, बच्चे स्कूलों में जाकर के पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्मार्टफोन उनके पास है नहीं, तो कहाँ गया सर इस सरकार का डिजिटल इंडिया, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। उन गरीब बच्चों के लिए, चाहे वो किसान मजदूर के बच्चे हैं, चाहे वो और गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे हैं, उनका क्या आगे भविष्य क्या होगा? अगर हम भविष्य के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ करते रहेंगे हमारे भावी पीढ़ियों के साथ, उनके भविष्य के साथ, तो कैसे ये देश तरक्की के रास्ते पर चलेगा? और जो आज हमारा सबसे युवा देश दुनिया के अंदर होने का जो हम एक गौरव प्राप्त करते हैं कि हमारा भारतवर्ष जो है पूरा सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी है, तो उसको किस तरीके से दिशा देंगे? जब पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, तो कहाँ से इस देश की तरक्की होगी? ये मेरा अगला सवाल है, और इसके लिए प्रदेश की सरकार ने क्या पुख्ता इंतजाम किया, और कब तक वो ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर ये साल 1.5 साल इसी तरीके से चलता रहा तो बच्चों की आगे पढ़ाई खराब नहीं होगी?